फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम दर्शना एंड यू आर वाचिंग आर्ट डिजाइन स्टूडियो। आज मैं आप लोग को गुदना आर्ट बताने जा रही हूँ। ये फर्स्ट लेसन है और बहुत ही इंटरेस्टिंग है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले, जिन लोगों ने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या जो न्यू है मेरे चैनल पे, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें एंड बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि मैंने 300 GSM की पेपर ली हुई है। ये काफ़ी थिक है। इसके साथ ही साथ मैं ब्लैक फैब्रिक कलर यूज कर रही हूँ और मैं इस पेंटिंग को बनाने के लिए नीब का इस्तेमाल करूँगी। आप लोगों ने कई बार रिक्वेस्ट किया था कि गुदना आर्ट मैं बताऊँ, तो आज मैं पहला लेसन बता रही हूँ। मैं आशा करती हूँ कि आप लोग इस लेसन से बहुत कुछ सीखेंगे। ड्राॅइंग स्टार्ट करते हैं। आज मैं आप लोगों को हाथी ड्रॉ करना बताने जा रही हूँ गुदना स्टाइल में। गुदना स्टाइल मधुबनी पेंटिंग की ही एक फॉर्म है, एक शैली है और इसमें बहुत ही डिटेलिंग की जाती है। आज मैं बहुत ही डिटेल में आपको हाथी कैसे ड्रॉ करते हैं ये बताने जा रही हूँ। और इस हाथी का नाम मकुनी हाथी है। शायद आप लोग नहीं जानते होंगे पर इसे मकुनी हाथी कहा जाता है और इस हाथी का मतलब ये है कि ये हमें समृद्धि और संपन्नता देता है, इसलिए इसे बनाते हैं। इसे पेपर पे या किसी भी प्रोडक्ट पे बनाने से पहले ये बॉडी के ऊपर बनाई जाती थी, वहाँ से ही कॉपी करके उसे पेपर पे उतारा गया है और घर के दीवारों पे बनाई जाने लग गई। मैं बहुत सारे मोटिव्स को यूज कर रही हूँ इस ड्राइंग को कंप्लीट करने के लिए, बट ये सारे मोटिव बहुत ही इजी है, आप आसानी से इसे बना सकते हैं। यदि आप मेरे सारे लेसन्स देखते हैं और आप मेरे ट्यूटोरियल्स को फॉलो करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, तो आपको बिल्कुल भी मुश्किल नहीं आएगी इसे बनाने में और आप इसे बहुत ही आसानी से बना पाएंगे।
बन जाने के बाद बहुत ही अच्छी लगती है। आप चाहे तो बनाने के बाद इसे फ्रेम कर सकते हैं या आप इसे किसी भी प्रोडक्ट पे बना सकते हैं। आप लोगों को ये ट्यूटोरियल कैसा लगा आप ज़रूर मुझे कमेंट में बताइए, और मुझे ये भी लिखिए कि आपको आगे भी गोदना आर्ट सीखना है या हमें मधुबनी पेंटिंग ही कंटिन्यू करना है, ताकि मैं भी उसके अकॉर्डिंग ट्यूटोरियल बना सकूं और आपको बता सकूं। तो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। तो मिलते हैं फिर जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।